अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 पाक स्टडी इन इंग्लिश लेक्चर नंबर 10 पार्ट 1 यूनिट नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। इन लेक्चर 10 पार्ट 1 वी विल रीड ए पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द फॉलोइंग के मंदरजा सेल को की वजाहत करें। ए पार्ट इज जहाद अफगानिस्तान। द आंसर ऑफ दिस ए पार्ट इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 15। यू ओपन एट पेज नंबर 15। Look at here, this is page number 15. Here is the answer of that first part of long question number 8, Afghan Jihad, refuge problem and their impact on Pakistani society. You put here the mark and write down here the answer of long question number 8, part A. Afghan Jihad, refuge program. Refugee program kise kehte hain? Muhajirin ke masail. एंड दियर इम्पैक्ट और उनके असरात ऑन पाकिस्तान सोसाइटी पाकिस्तानी मुआशरे पर। द इन्वेजन ऑफ रशियन फोर्सेस, रशिया कैसे कहते हैं? रूस को। एंड रशियन फोर्सेस कौन सी होती है? रूसी ताकतें, रूसी कुवतें, जो रशियन फोर्सेस का जो इन्वेजन मीन हमला, कि जब रशियन फोर्सेस ने हमला किया इनटू अफगानिस्तान, कहाँ पे हमला किया? अफगानिस्तान में 1979 को। इट क्रिएटेड अ न्यू चैलेंज, क्रिएट मीन इससे पैदा हो गया एक नया चैलेंज फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, कि जब रशियन फोर्सेस ने अफगानिस्तान पर 1979 को हमला किया तो इससे पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज जो था वो पैदा हो गया। एंड जनरल ज़ियाउल्लाह हक एडॉप्टेड अ फर्म पॉलिसी, जिसको हल करने के लिए, जिसका सामना करने के लिए जनरल ज़ियाउल्लाह हक ने एक बहुत ही मजबूत पॉलिसी को इख्तियार किया विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड करेज, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एतमाद के साथ, एनकरेजमेंट और हौसले के साथ पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उसको इख्तियार किया। एंड स्टूड अगेंस्ट द इंटरवेंशन ऑफ रशियन फोर्सेस, एंड स्टूड अगेंस्ट और डट के किसके खिलाफ? रशियन फोर्सेस के इंटरवेंशन किसे कहते हैं? मुदाखलत को। और रशियन फोर्सेस के खिलाफ वो डट के खड़े हो गए। द बिगनिंग ऑफ जिहाद, जिहाद का आगाज़, कि जिहाद का आगाज़ कैसे हुआ? अफगान नेशन ब्रेवली स्टूड अगेंस्ट द रशियन अटैक, कि अफगान नेशन जो थी, अफगानी कौम जो थी, ब्रेवली बड़ी बहादुरी के साथ स्टूड खड़ी हो गई, डट गई अगेंस्ट द रशियन अटैक, रूसी हमले के खिलाफ, कि जब रूस ने, जब रशिया ने हमला किया अफगानिस्तान पे तो अफगान नेशन जो थी वो डट के बड़ी बहादुरी से उनके खिलाफ खड़ी हो गई। एंड स्टार्टेड जहाद, फिर उन्होंने किसका आगाज़ किया? जहाद का आगाज़ किया। द मॉरल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो की हमायत ने रेस्ट बढ़ा दिया। द मोरल ऑफ अफगान मुजाहिदीन, कि हुकूमत पाकिस्तान की हमायत ने अफगान मुजाहिदीन के मोरल को, हौसले को बढ़ाया। एंड द मुजाहिदीन इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्टेड मीन आयद करना, ज़र्ब लगाना, मुब्तला करना, आयद करना, हैवी डिफीट्स, उन्होंने क्या चीज़ दी? उन्होंने बहुत हैवी डिफीट दी, बहुत ज़्यादा शिकस्त दी, बहुत बड़ी शिकस्त दी रशियन फोर्सेस को इन एवरी फील्ड, हर मैदान में, कि पाकिस्तानियों की एक तो सपोर्ट थी हासिल अफगान मुजाहिदीन को, जिससे उनके हौसले बढ़े और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ रशियन फोर्सेस को शिकस्त दी हर मैदान में। रशिया वॉज कम्प्लीटली डीमोरलाइज्ड, हियर मीन बहुत मायूस हो गया, मुकम्मल तौर पर रशिया मायूस हो गया था। एंड बिकेम हेल्पलेस, और हेल्पलेस हो चुका था, मतलब बेयारो मददगार हो गया था 1986 में। बट द जिहाद वाज कॉन्टीन्यूड, लेकिन इसके बावजूद जो था वो जिहाद कॉन्टीन्यूड रहा, जारी रहा। द कॉन्टीन्यूस डिफीट, और मुसलसल शिकस्त हासिल करने के बाद, इट डिसअपॉइंटेड द रशियन फोर्सेस, इसने मायूस, इस मुसलसल शिकस्त ने मायूस कर दिया, किनको मायूस किया? रशियंस को महसूस किया, मायूस किया ट्रिमेंडसली, आई मीन बहुत ज़्यादा, कि मुसलसल शिकस्त मिलने से रशियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा जो थे वो मायूस हो गए। जेनेवा अकॉर्ड, जेनेवा अकॉर्ड है मीन जेनेवा मुआहिदा, अकॉर्ड हम किसे कहते हैं? अकॉर्ड कहते हैं मुआहिदे को। अमेरिका एंड रशिया, कि अमेरिका और रशिया ने साइंड एन अकॉर्ड, उन्होंने एक मुआहिदे पर दस्तखत किए अप्रैल 1988 को जेनेवा में, कि जेनेवा में अमेरिका और रशिया ने एक माहदे पर दस्तखत किए। कब किए थे? 1988 में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म
मोहम्मद ख़ान जुनेजो, उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मोहम्मद ख़ान जुनेजो, एंड पार्टी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एंड साइंड इट, के एक तो अमेरिका उसमें शामिल था, दूसरा रशिया, और तीसरा उसमें कौन शामिल था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खान मोहम्मद जुनेजो, और इन तीनों ने मिलकर साइन किए इस माहदे पर। रशिया एक्सेप्टेड इट्स डिफीट, रशिया ने एटलीस्ट अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया, एंड विदड्रो इट्स फोर्सेस, और अपनी जो फोर्सेस जो थी उनको पीछे हटाया फ्रॉम अफगानिस्तान से ऑन 15 फरवरी 1989 में, एंड दिस वाज द एंड ऑफ अफगान जहाद, और इस तरीके से अफगान जहाद का खात्मा हो गया, यानी ख़त्म हो गया अफगान जहाद। और ये कैसे ख़त्म हुआ था कि इसमें रशिया ने और पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया था, जिसकी वजह से तीनों ने अमेरिका, रशिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिलके मुआहदे पर दस्तखत किए, और जिससे ये जो रूसी कूवतों ने, रशियन फोर्सेस ने अपनी डिफीट को, अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत किया और उनका ये जहाद जो था फिर ख़त्म हो गया। अब लास्ट हेडिंग ऑफ दिस पॉइंट इज़ द इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान सोसाइटी, कि पाकिस्तानी मुआशे पर असरात, इम्पैक्ट कहते हैं असर को या असरात को, द माइग्रेशन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, के अफगान महाजरीन, रेफ्यूजीज हम किसे कहते हैं, महाजरीन को, कि अफगान जो महाजरीन की माइग्रेशन हिजरत थी तो पाकिस्तान में ड्यूरिंग रशियन अटैक के दौरान हैड फार रीचिंग किसे कहते हैं, हम दूरस इफ़ेक्ट्स, असरात उन पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी मुआशरे पर, कि जब रशिया ने अटैक किया अफ़गानिस्तान पे तो बहुत से अफगान महाजरीन जो थे वो माइग्रेशन करके पाकिस्तान आ गए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी माशरे पर इसके बहुत दूरस असरात जो थे वो मुरतब हुए, एंड मोर देन 30 लाख अफगान रेफ्यूजीज, और 30 लाख से ज़्यादा अफगान महाजरीन दे माइग्रेटेड टू पाकिस्तान और पाकिस्तान में हिजरत करके आए, कितने आए थे, 30 लाख से ज़्यादा अफगान महाजरीन जो थे वो पाकिस्तान में हिजरत करके आए। पाकिस्तान गेव शेल्टर, पाकिस्तान ने पनाह दी, शेल्टर मीन पनाह देना, टू द रेफ्यूजीज इन अफगान, इन महाजरीन को, एंड लुकड आफ्टर देम, और उनकी देखभाल की प्रॉपरली बड़े अच्छे तरीके से, आउट ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड एंड ह्यूमन सिंपथी, के इंसानी सिंपथी, हमदर्दी और इस्लामी भाईचारे के तहत उन्होंने इन महाजरीन की बहुत मदद की, एंड द सर्विसेज ऑफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल्लाह हक, और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल्लाह हक की खिदमात आर प्रेसवर्दी, काबिल तारीफ़ हैं, इन अफगान जिहाद के, अफगान जिहाद में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल्लाह हक की जो खिदमात हैं वो क्या है, प्रेसवर्दी, बहुत काबिल तारीफ़ हैं, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उनको पाकिस्तान में पनाह दे के, उनकी मदद करके, एंड पाकिस्तान वॉज अप्रिशिएटेड, जिससे पाकिस्तान की ऐप को अप्रिशिएट किया गया, उनकी तारीफ़ की गई इंटरनेशनली बैन अवी सतह पर फॉर द सक्सेसफुल अफगान पॉलिसी के लिए, इस कामयाब अफगान पॉलिसी के लिए जिसके तहत उन्होंने जितने भी महाजरीन जो थे जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए थे उनको पनाह दे के, उनकी हेल्प करके पूरे बैन अवी सतह पर उनकी इन कोशिशों को, उनकी इस पॉलिसी को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सराहा गया, उसको बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ़ की गई। पुट हियर द मार्क, अप टू हियर द आंसर ऑफ पार्ट ए।